गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है छात्रगण। छात्रगण, विगत कक्षाओं में दिल्ली सल्तनत के प्रशासन साहित्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, केंद्रीय प्रशासन के बारे में अपने अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम लोग प्रांतीय प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रगण, लिखने की कार्रवाई करेंगे लाल या हरा कलम से। प्रांतीय प्रशासन आपका हेडिंग बनेगा। छात्रगण लिखे, प्रांतों को सूबा या इकता कहा जाता था। प्रांतों को सूबा या इकता कहा जाता था, जिसके सर्वोच्च पदाधिकारी को सूबेदार या इक्तेदार कहते थे। सूबेदार या इक्तेदार कहते थे, इक्तेदार कहते थे, सूबेदार या इक्तेदार कहते थे। नेक्स्ट, तीर का निशान। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा प्रांत मोहम्मद बिन तुगलक के समय थे, जिनकी संख्या 23 थी, जिनकी संख्या 23 थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में प्रांतों के नीचे जिले आते थे। जिले को सिख कहा जाता था तथा इसके सर्वोच्च पदाधिकारी को सिकदार कहते थे। सिकदार कहते थे। नेक्स्ट, जिले के अंतर्गत परगना आता था। परगना आता था, परगने में दो पदाधिकारी कार्य करते थे, आमिल मुंसिफ। आमिल मुंसिफ। आमिल प्रशासनिक कार्यों को देखता था तथा मुंसिफ लगान वसूलने का काम करता था। नेक्स्ट, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। अब हेडिंग बनेगा छात्रगण, ग्राम प्रशासन। लिखिएगा, गांव में निम्न पदाधिकारी प्रशासन का संचालन करते थे। नंबर एक, खुद। नंबर दो, चौधरी। नंबर तीन, मुकदम। नंबर चार,
पटवारी, खुद चौधरी मुकदम पटवारी, ये चार पदाधिकारी होते थे छतगन, जो कि गांव का प्रशासन देखते थे। तो ये है छतगन, दिल्ली सल्तनत का प्रांतीय प्रशासन। पूछेगा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा प्रांत किसके समय में थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थे। अलाउद्दीन खिलजी मत लगा दीजिएगा छतगन, मोहम्मद बिन तुगलक 23 प्रांत थे, ध्यान रखिएगा। पूछेगा दिल्ली सल्तनत में प्रांतों को क्या कहा जाता था, सूबा या इक्ता। इसके सर्वोच्च पदाधिकारी को क्या कहते थे, सूबेदार या इक्तेदार कहा जाता था। सूबे के नीचे प्रांतों के अंदर अंतर्गत क्या होता था, जिला। जिला के सर्वोच्च पदाधिकारी को सिकदार कहते थे, सिक कहा जाता था जिला को। जिला के नीचे क्या होता था, परगना। परगना में दो पदाधिकारी कार्य करते थे, आमिल ये प्रशासनिक कार्य देखता था, मुंसिफ ये राजस्व लगान वसूलने का कार्य करता था, ध्यान रखिएगा। ग्रामीण प्रशासन के तहत खुद चौधरी मुकदम पटवारी, ये चार पदाधिकारी थे जो गांव का शासन चलाते थे। पूछेगा दिल्ली सल्तनत में खुद चौधरी मुकदम पटवारी कहां का शासन चलाते थे, नंबर एक केंद्रीय प्रशासन, नंबर दो प्रांतों का प्रशासन, नंबर तीन जिलों का प्रशासन, नंबर चार ग्राम प्रशासन। क्या लगाएंगे छात्रगण, नंबर चार ग्राम प्रशासन का कार्य चलाते थे ये खुद चौधरी मुकदम पटवारी, जिसे आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत के निम्न पदाधिकारियों को उनके क्रम के अनुसार सजाएं। ऑप्शन में दे देगा छतगन, नंबर एक सूबेदार, नंबर दो वजीर, नंबर तीन सिकदार, नंबर चार आमील या मुंसिफ, नंबर पांच चौधरी। छतगन जब तक आप नहीं जानेंगे कि वजीर प्रधानमंत्री को कहते थे, नंबर एक में होगा। सूबेदार या इक्तेदार प्रांतों के सर्वोच्च पदाधिकारी को कहते थे, नंबर दो में होगा। सिकदार जिले के सर्वोच्च पदाधिकारी को कहते थे, नंबर तीन में होगा। आमिल या मुंसिफ परगने के सर्वोच्च पदाधिकारी को कहते थे, नंबर चार में होगा। और खुद चौधरी मुकदम पटवारी गांव के पदाधिकारी को कहते थे, पांच में होगा। तो जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा छात्रगण, नहीं बनेगा। इसलिए आपको इस पर पैनी निगाहें रखनी होगी, ध्यान देना होगा और याद रखना होगा। अब हेडिंग बनेगा छात्रगण, दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था। व्यवस्था देखिए, दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व की दर अर्थात लगान की दर 1/3 थी। लगान की दर 1/3 थी 1/3 थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में निम्न प्रकार के प्रमुख कर वसूले जाते थे, नंबर एक जजिया, कर लिखे, या मुस्लिम शासकों द्वारा, गैर हिंदू प्रजा अर्थात जिम्मी, या मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुस्लिम प्रजा, गैर हिंदू नहीं, गैर मुस्लिम प्रजा अर्थात जिम्मी से वसूला जाने वाला एक धार्मिक कर था। नेक्स्ट, जकात, यह मुसलमानों से
से वसूला जाने वाला, वसूला जाने वाला एक धार्मिक कर था जो उनकी कुल संपत्ति का 2.5% के रूप में वसूला जाता था। नंबर 3, खम्स या खुम्स, खम्स या खुम्स, यह लूट का माल था, यह लूट का माल था, माल था, यह लूट का माल था, माल था। अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स के अनुपात को परिवर्तित करते हुए, खम्स के अनुपात को परिवर्तित करते हुए 4/5 अर्थात 80% हिस्सा, 4/5 अर्थात 80% हिस्सा राजकोष में जमा करता था तथा 1/5 अर्थात 20% हिस्सा सैनिकों के बीच वितरण करता था जबकि इसके पूर्व के शासक 4/5 सैनिकों में वितरण करते थे एवं 1/5 राजकोष में जमा करते थे नेक्स्ट खिराज, ठीक है, या गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व था, या गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व या लगान था, या लगान था, जिसकी दर 1/3 थी, 1/3 थी, जिसकी दर 1/3 थी। नेक्स्ट उस्र, उस्र देखिए, यह मुसलमानों से वसूला जाने वाला भू राजस्व या लगान था जिसकी दर 1/10 थी, 1/10 थी। नीचे लिखेगा नोट, NOTE नोट, लिखे जजिया कर से
निम्नलिखित को मुक्त रखा गया था। जजिया कर से निम्नलिखित को मुक्त रखा गया था। नंबर एक, विधवा स्त्री। नंबर दो, अपंग व्यक्ति। नंबर तीन, साधु संत। नंबर चार, भिखारी। नंबर पांच, पागल व्यक्ति। छह, विधवा स्त्री। नेक्स्ट, ब्राह्मण। नीचे नोट में लिखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित कर दिया था। यह छतगन दिल्ली सल्तनत में वसूले जाने वाले विभिन्न प्रकार के कर, बहुत इंपॉर्टेंट है छतगन, पहली निगाहें आपकी होनी चाहिए। क्या सवाल आएंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में, गौर कीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/3 थी छतगन, 1/3 थी। दिल्ली सल्तनत में जजिया कर क्या था छतगन? जैसा कि आप जानते हैं, भारत में सबसे पहली बार जजिया कर लगाने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने सिंध की गैर मुस्लिम प्रजा पर जजिया कर आरोपित किया था सबसे पहली बार 712 ईस्वी सन में। गौर करेंगे छतगन, मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुस्लिम प्रजा से वसूला जाने वाला एक धार्मिक कर जजिया कर कहलाता था। ध्यान देंगे छात्रगण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। पैनी निगाहें रखनी होगी, ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा, एक एक चीजों को छतगन याद रखना होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षाओं का छतगन। जजिया कर से कई व्यक्तियों को मुक्त रखा गया था, चाहे वह गैर मुस्लिम में किसी भी धर्म से क्यों ना आते हों। छतगन, विधवा स्त्री से जजिया कर नहीं लिया जाता था, पागल व्यक्ति से नहीं लिया जाता था, अपंग व्यक्ति से नहीं लिया जाता था, साधु संत से नहीं लिया जाता था, वृद्ध व्यक्ति से नहीं लिया जाता था, लाचार व्यक्ति से नहीं लिया जाता था, है ना छतगन। ब्राह्मणों से भी जजिया कर नहीं लिया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। पूछेगा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगा दिया था छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। इस पर भी आपको पहले निगाह रखनी होगी, इसे भी ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा छतगन। जजिया कर मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुस्लिम प्रजा से वसूला जाने वाला एक धार्मिक कर था, जिसे आपको ध्यान रखना होगा। गैर मुस्लिम प्रजा को क्या कहते थे छतगन? जिम्मी, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, इन्हें गैर मुस्लिम कहा जाता था। वन हु इज नॉट मुस्लिम, है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छतगन। जकात क्या था छतगन? मुसलमानों से लिया जाने वाला यह एक प्रकार का धार्मिक कर था, जो उन्हें अपनी कुल आय का 2.5% देना पड़ता था। आज भी छतगन मुसलमानों के लिए फर्ज बताया गया है जकात, कि तुम अपनी कुल आय का 2.5% गरीबों, मजलूमों, असहायों के लिए दान दो। रमजान के पाक महीने में मुस्लिम भाई लोग जकात अदा करते हैं। कहा जाता है कि रमजान के पाक महीने में यदि जकात अदा की जाए तो उसका पुण्य कई गुना ज्यादा मिलता है छतगन। तो जकात की दर क्या थी? 2.5%। यह किस प्रकार का कर था? धार्मिक कर था, है ना। किससे वसूला जाता था? मुसलमानों से वसूला जाता था, ध्यान रखिएगा छतगन। खम्स या खुम्स क्या था? ये लूट का माल था। राजा जो अटैक करता था दूसरे राज्यों में, मंदिरों को लूटता था, वही लूट का माल कहलाता था छतगन। अलाउद्दीन खिलजी के पहले लूट के माल का कुल हिस्सा 4/5, कुल हिस्से का 4/5 यानी 80% भाग सैनिकों के बीच बांट दिया जाता था, और 1/5 अर्थात 20% भाग
राजकोष में जमा किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस ट्रेंड को बदल दिया छात्रगण, इस नियम को बदल दिया उसने। क्या कर दिया? 4/5 अर्थात 80% हिस्सा राजकोष में जमा किया और 1/5 अर्थात 20% हिस्सा सैनिकों के बीच वितरण करवाया था छात्रगण। ध्यान रखिएगा, बहुत ही हिट क्वेश्चन है, जबरदस्त रूप से यह भी आता है प्रतियोगिता परीक्षा में पूछेगा। दिल्ली सल्तनत में लूट के माल को क्या कहा जाता था? खम्स या खुम्स। दिल्ली सल्तनत में जो लूट का माल होता था जिसे खम्स या खुम्स कहते थे, अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में कितना प्रतिशत हिस्सा राजकोष में जमा होता था? ऑप्शन में देखा 1/2, 1/3, 1/4 और दूसरा ऑप्शन में देगा 4/5, है ना, छात्र आपको लगाना होगा 4/5। अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में लूटा गया माल का खम्स का कितना हिस्सा सैनिकों में बांटा जाता था? ऑप्शन में देगा 1/2, दूसरा ऑप्शन देगा 1/3, तीसरा ऑप्शन में देगा 4/5, चौथा ऑप्शन में देगा 1/5। तो 1/5 हिस्सा अर्थात 20% हिस्सा सैनिकों में बांटा जाता था छात्रगण। याद रखिएगा, खम्स लूट का माल था दिल्ली सल्तनत में। अलाउद्दीन खिलजी ने रेशियो को पलट दिया, यह भी ध्यान में रखिएगा, 80% हिस्सा राजकोष में जमा होगा और 20% हिस्सा ही सैनिकों को दिया जाएगा, क्योंकि जितना माल मैंने लूटा है उसका यदि 80% सैनिकों को दे दिया जाएगा तो वही राजा बन जाएंगे और मैं ही कंगाल बन जाऊंगा, यह अलाउद्दीन खिलजी का मानना था छात्रगण। गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है छात्रगण, खिराज। छात्रगण क्या था खिराज? खिराज छात्रगण एक भू राजस्व या लगान था जो कि कुल आय का 1/3 लिया जाता था गैर मुस्लिम प्रजा से, है ना। खिराज भू राजस्व या भूमि कर था, लगान की दर थी जो गैर मुस्लिम प्रजा से 1/3 लिया जाता था उनके कुल आय का, है ना। खिराज की दर कितनी थी छात्रगण? 1/3। उष्ण क्या था? मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व या लगान था, है ना। मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व या लगान क्या कहलाता था छात्रगण? उस्र कहलाता था, है ना। उस्र की दर कितनी थी? 1/10 थी। ये मुसलमानों से लिया जाता था भू राजस्व या लगान की दर। तो छात्रगण दिल्ली सल्तनत में जजिया जकात खम्स खिराज उस्र क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे छात्रगण। खंड का में दे देगा जजिया जकात खम्स खिराज उस्र, खंड खम इसकी विशेषता दे देगा, बोलेगा गंगा जमुना को मिलाइए। जब तक आप नहीं जानेंगे छात्रगण तब तक इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए आपको इसे जानना होगा, समझना होगा, याद करना होगा, अपने मन मस्तिष्क में बिठाना होगा और पीछे जो सरिब्रम है उसमें चिपका देना होगा फेविक्विक से, तभी आप प्रतियोगिता परीक्षाओं के विजेता बन सकते हैं, अन्यथा प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप असफल हो जाएंगे छात्रगण, इसे आपको ध्यान देना होगा। इसलिए छात्रगण मेमोरी पावर को शार्प कीजिए, याद कीजिए एक एक बातों को जो मैं बता रहा हूं, एक एक बातों को ध्यान कीजिए। सुबह उठ करके 4 बजे पढ़ना शुरू कर दीजिए, रटना शुरू कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए। सफलता तो आपके कदमों पर आकर के आपसे याचना करेगी कि बता तेरी रजा क्या है, है ना। तो छात्रगण ध्यान दीजिएगा, एक एक चीजों को रटे छात्रगण, याद करें, एकाग्रता लाएं, योगा प्राणायाम करें और अपने आप को कॉन्सेंट्रेशन के अंतिम छोर पर ले जाएं, जहां पर मेमोरी पावर भी आपसे पनाह मांगना शुरू कर दे, है ना, कि अब नहीं, अब बहुत हो गया। तो छात्रगण ध्यान दीजिएगा, सफलता के रास्ते इन सब चीजों से खुलते हैं, इसलिए आपको इससे ध्यान रखना होगा छात्रगण। अब नहीं बनेगा सल्तनत कालीन सिक्के लिखिए, हेडिंग बनाएगा छात्रगण लाल हरा कलम से, सल्तनत कालीन सिक्के लिखिए। सिक्कों का जहां निर्माण होता है, सिक्कों का जहां निर्माण होता है उसे टकसाल कहते हैं। सिक्कों का जहां निर्माण होता है उसे टकसाल कहते हैं टकसाल कहते हैं। नेक्स्ट तीर का निशान, दिल्ली सल्तनत में टकसालों का जन्मदाता
इल्तुतमिस को कहा जाता है, इल्तुतमिस को कहा जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट, इल्तुतमिस के शासनकाल में, इल्तुतमिस के शासनकाल में सबसे ज्यादा टकसालों का निर्माण हुआ था, टकसालों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, इल्तुतमिस ने चांदी का सिक्का, इल्तुतमिस ने चांदी का सिक्का जारी किया था, जिसे टंका कहा जाता था, टंका कहा जाता था। नेक्स्ट, बलबन ने सोने का सिक्का, बलबन ने सोने का सिक्का जारी किया था जिसे दीनार कहते थे, दीनार कहते थे। नेक्स्ट, इल्तुतमिस ने तांबे का सिक्का, इल्तुतमिस ने तांबे का सिक्का जारी किया था, जिसे जीतल कहा जाता था, जीतल कहा जाता था, जारी किया था, जिसे जीतल कहा जाता था। नेक्स्ट, एक टंका बराबर, अड़तालीस जीतल, एक टंका बराबर अड़तालीस जीतल, जीतल होता था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा सिक्के इल्तुतमिस के शासनकाल में जारी किए गए थे। छगन, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा सिक्कों को ढालने वाले स्थान को क्या कहा जाता है, टकसाल कहा जाता है। छात्रगण ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, टकसाल। छात्रगण सिक्कों से क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में सिक्कों को ढालने के स्थान को क्या कहा जाता था, टकसाल कहा जाता था। छात्रगण टकसालों का निर्माता किसे कहा गया है, इल्तुतमिस को कहा गया है। पूछेगा दिल्ली सल्तनत में टकसालों का जन्मदाता कौन था, इल्तुतमिस था, ध्यान दीजिएगा। पूछेगा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा सिक्के किसके कार्यकाल में जारी किए गए थे, इल्तुतमिस के कार्यकाल में जारी किए गए थे, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा टकसालों का निर्माण किसने किया था, इल्तुतमिस ने किया था। छगन चांदी का सिक्का इल्तुतमिस ने जारी किया था, जिसे टंका कहा जाता है। पीतल का सिक्का भी इल्तुतमिस ने जारी किया था, जिसे जीतल कहा जाता था। एक टंका बराबर 48 जीतल होता था। छात्रगण जैसे एक चांदी का सिक्का आप यदि व्यापारी के पास लेके जाओगे तो आपको उसके बदले में 48 तांबे के सिक्के मिलते थे, 48 जीतल मिलते थे। यही इसका महत्व था। छात्रगण एक टंका बराबर 48 जीतल। इन सब चीजों को छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा और एक चीजों को याद रखना होगा। सोने का सिक्का दीनार कहलाता था, जिसे बलबन ने जारी किया था। छात्रगण इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी आपको मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्रगण इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे।
लिखेगा, कांसा के प्रतीकात्मक मुद्रा, कांसा का प्रतीकात्मक मुद्रा, कांसा का प्रतीकात्मक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था। कांसा का प्रतीकात्मक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सिक्कों पर टकसालों के नाम और चिन्ह, सिक्कों पर टकसालों के नाम और चिन्ह अंकित करवाए थे, नाम और चिन्ह अंकित करवाए थे, करवाए थे। नेक्स्ट, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था, सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सोने के शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, अरबी सिक्के जारी किए थे, अरबी सिक्के जारी किए थे। छतगन ध्यान देंगे, पूछेगा दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक कौन था जिसने सिक्कों पर टकसालों के नाम और चिन्ह अंकित करवाए थे। इल्तुतमिश था छतगन, इसलिए इसके शासनकाल में सिक्कों की नकल नहीं हो पाई, जनता बना नहीं पाई। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने यही गलती कर दी छतगन, उसने सांकेतिक मुद्रा, प्रतीकात्मक मुद्रा कांसे का जारी किया, लेकिन अफसोस उन पर टकसालों के नाम चिन्ह अंकित नहीं करवाया, जिससे घर घर में जनता ने ठोक दिया सिक्के और मुद्रास्फीति आ गई और उसकी यह योजना असफल हो गई। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन सोने और चांदी की कमी को पूरा करने के लिए उसने कांसे के सिक्के जारी किए थे छतगन, है ना। छतगन पूछेगा सबसे पहली बार सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराने वाला शासक कौन था, तो इल्तुतमिश था। ध्यान रखिएगा, सबसे शुद्ध सोने के अरबी सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था, इल्तुतमिश था। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतीकात्मक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। यह मुद्रा किस धातु की थी, कांसे की थी, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यह है छतगन दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सिक्के और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। छतगन हर पहलू को आप याद रखिएगा, सोने के सिक्के को दिनार, चांदी के सिक्के को टंका, तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। एक टंका बराबर 48 जीतल के बराबर होता था। यह क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है छतगन, है ना। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सिक्कों को ढालने के लिए टकसालों का निर्माण किया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सिक्कों पर टकसाल के नाम और चिन्ह अंकित करवाए। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सोने के सिक्के जारी किए थे। ध्यान रखिएगा छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है। छतगन दिल्ली सल्तनत में सिक्कों के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी बच गए हैं जिसको हम लोग अगली कक्षाओं में जानेंगे और समझेंगे, और उसके बाद छतगन हम लोग प्रवेश करेंगे एक ऐसे साम्राज्य की ओर जिसने 1526 से अपने शासन की हुंकार भरी और एक लंबे अरसे तक भारत में शासन किया, और वह शासन था बाबर द्वारा स्थापित मुगल राजवंश, जहां आपको एक से एक शासकों से मुलाकात होगी छतगन। बाबर से आपकी मुलाकात तो होगी ही होगी, उसके पुत्र हुमायूं,
हुमायूं के पुत्र अकबर, अकबर के पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब, सब एक से बढ़कर एक शासक है छत्रगण। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, सबकी अपनी अपनी खासियतें हैं, सबका अपना अपना शासन करने का तरीका है छत्रगण। इन सभी शासकों से आपकी मुलाकात होगी मुगल साम्राज्य में। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार और बहुत ही रोचक अंदाज के साथ मैं प्रस्तुत करूंगा, ताकि जिस प्रकार दिल्ली सल्तनत में आपने इंटरेस्ट लिया है, मजा लिया है, ठीक उसी प्रकार से मुगल साम्राज्य में भी आप आनंद से सराबोर हो जाएं और इतिहास विषय आपको बोझिल ना लगे, इंटरेस्टिंग लगे, मजेदार लगे और आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सबों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।